हम दो प्रकार की मिल्क शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, संध्या बेस किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम दो प्रकार के मिल्क शेक बनाएंगे। तो पहले हम एप्पल का बनाएंगे। तो एप्पल को हमने धोकर के छीलकर अच्छे से काट लिया है। बादाम थोड़े से टुकड़े रख लिए हैं, पिस्ता के टुकड़े, और ये शुगर ले ली है, और एक गिलास ये मिक्सर का जार लेंगे और इसमें डालेंगे एप्पल, शुगर, शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, हमने 2-3 चम्मच ली है, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। अब हम इसको पीस लेंगे। ये एप्पल हमारा एकदम अच्छे से पीस चुका है, इसमें डालेंगे दूध, दूध डाल के और चला देंगे। अगर दूध पहले ही डाल देंगे तो फिर वो अच्छे से पीसता नहीं है, इसलिए दूध पहले पूरा नहीं ऐड किया था। अब एक बार दूध डाल के एक बार इसको और मिक्सी में चला देंगे। दूध डालने के बाद एक बार इसे और मैंने मिक्सी में चला लिया है। अब चलिए हम इसे सर्व करते हैं। गिलास में आइसक्यूब डालेंगे। और इसमें डाल देंगे अपना मिल्क शेक, जो हमने एप्पल का मिल्क शेक बनाया है उसको डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी सी गार्निश कर देंगे एप्पल के टुकड़े से, पिस्ते की कतरन से, और थोड़े से बादाम। ये हमारा एप्पल का मिल्क शेक बनकर के तैयार। एप्पल का मिल्क शेक बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मैंगो का, जिसके लिए हमने एक आम को छील करके काट करके और उसका रस निकाल लिया है, आधी गिलास दूध लिया है, थोड़ी सी पिस्ता और बादाम गार्निश के लिए 2 चम्मच शुगर। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे आम का रस, शुगर और बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे। ज़्यादा दूध डालेंगे तो वो अच्छे से पीसेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ही दूध अभी ऐड कर रहे हैं, और इस तरीके से बंद करके इसको पीस लेंगे। ये आम को रस को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने बिल्कुल ठंडा लिया था, और इसको एक बार मिक्सी में और चला लेंगे। ये देखिए, हमने पीस लिया है।